हेलो एवरीवन दिस इज सस्मिता वेलकम टू माय चैनल आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास सिक्स साइंस का एनुअल एग्जाम का एक सैंपल पेपर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो इसीलिए मैंने इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है जो आप देख रहे हो वो पार्ट वन है टू डेज के बाद एक और वीडियो आने वाला है जो की होगा पार्ट टू उसके दो दिन बाद एक और वीडियो इज द पार्ट थ्री तीनों पार्ट आप अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए कोई भी बात मिस ना करे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ लीजिए चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे क्वेश्चन पेपर की तरफ टाइम है टू एंड हाफ एन आवर टोटल मार्क है सिक्सटी दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इंटू फाइव सेक्शन ए बी सी डी एंड ई सेक्शन ए जो है ना ये पूरा एम सी क्यू क्वेश्चन है इच क्वेश्चन केरीज वन मार्क सेक्शन बी जो है

वन वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हिंज दिस इज ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से एक जॉइंट हिंज ज्वाइंट नहीं है हिंज ज्वाइंट हम किसको बोलते हैं जिस ज्वाइंट में बोन एक डिरेक्शन में मूव करता है थ्री सिक्सटी डिग्री मूव नहीं करता है पहला ऑप्शन देखिए जो हमारे फेस में दो जो है ना अपर जॉ एंड लोअर जो अपर जॉ तो बिल्कुल भी मूवेबल नहीं है हिलता ही नहीं है लोअर जो जो है वो अप डाउन मूव करता है एक ही डिरेक्शन में अप एंड डाउन सो दिस इज एन ज्वाइंट नेक्स्ट आता है एल्बो ज्वाइंट एल्बो ज्वाइंट भी एक ही डिरेक्शन में मूव करता है सो दिस इज ऑल्सो ए हिंज जॉइंट नेक्स्ट हमारा आता है नी नी भी देखिए एक ही डिरेक्शन में अप डाउन मूव होता है ना सो दिस इज ऑल्सो ए हिंज हिन्ट लास्ट आता है हमारा शोल्डर ज्वाइंट शोल्डर जो है 360 सिक्सटी डिग्री मूव करता है एंड दिस इज ए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट सो दिस इज नॉट ए हिंज जॉइंट सो आंसर यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन डी शोल्डर दिस वन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ इज कॉल्ड द इ के अंदर का पार्ट कौन सा है फ्लॉर का डायग्राम देखिए फ्लावर का जो आउटर मोस्ट पार्ट है ना दट इज द सेपल सेपल के अंदर कौन सा पार्ट है इज 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 पेटल पेटल के के अंदर अंदर क्या क्या है है नेक्स्ट सो द इनर मोस्ट पार्ट ओके सो आंसर हियर विल बी ऑप्शन सी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थ्री द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पेडी फ्रॉम इट्स स्टॉक

चारों पाइप के सामने खड़े हो जाते हैं और पाइप के थ्रू कैंडल को देखने की कोशिश करते हैं तो कौन सा स्टूडेंट कैंडल को क्लियरली देख पाएगा देखिए पिक्चर ए में पाइप जो है थोड़ा टेढ़ा है सो so यहाँ पे स्टूडेंट क्लियरली कैंडल की फ्लेम को नहीं देख पाएगा ऑप्शन बी में पाइप जो है पूरा स्ट्रेट है एंड सामने कैंडल का फ्लेम वो क्लियरली देख पाएगा बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन एट की तरफ क्वेश्चन नंबर एट ए बल्ब हैज टू टर्मिनल्स एंड वन फिलामेंट बल्ब के कितने टर्मिनल और कितने फिलामेंट होते हैं हमने पढ़ा है कि बल्ब के टू टर्मिनल्स होते हैं और एक फिलामेंट उसमें होता है जब फिलामेंट ग्लो करता है तो बल्ब भी ग्लो करता है सो so, यहाँ पे ऑप्शन ए टू टर्मिनल्स एंड वन फिलामेंट दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ क्वेश्चन नंबर नाइन नेम द डेफिशियं डिजीज कॉज बाय डेफिशियंसी ऑफ विटामिन बी विटामिन बी की डेफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है बेरी बेरी

यहाँ पे लिख देंगे लस्चर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन ब्लैंक्स फर्स्ट वन इज द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड इज डैश ऐसा कौन सा कंपोनेंट एयर में है जिसको यूज करके ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं सो हियर द आंसर विल बी कार्बन डाइऑक्साइड लिख दीजिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट है एक्वाटिक एनिमल्स यूज डैश इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन एक्वाटिक एनिमल्स वाटर से क्या कलेक्ट करते हैं फॉर देयर रेस्पिरेशन Aquatic animals use oxygen dissolved in water. Blanks oxygen dissolved. Next question number 12 What is an electric circuit? So, the answer will be a complete closed path of electrical components through which electricity can flow is called an electric circuit. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वाई इज द मून नॉट कंसिडर्ड एज ए लुमिनस बॉडी मून को हम लुमिनस बॉडी के जैसा consider क्यों नहीं करते हैं द आंसर विल बी ऑब्जेक्ट्स 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 एमिट लाइट लाइट ऑन ओन आर जिन का का खुद का होता है जो खुद लाइट एमिट करते हैं उनको हम बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट्स जैसे कि टॉर्च बोलिए सन बोलिए लेकिन मून जो है मून का खुद का लाइट नहीं होता है इट डज नॉट एमिट लाइट ऑन इट्स ओन सो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज लुमिनस बॉडी

1000 किलोमीटर सो फिफ्टीन मैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं और एक एग्जाम्पल दीजिए सो आंसर विल बी मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टूअर्ड्स मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स जो मटेरियल्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे कि एग्जाम्पल आयरन कॉपर कोबल्ड निकल एक्सेट्रा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज इज द द ऑफ ऑफ एयर 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 का क्या है सो आंसर विल बी नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर एंड फ्यू अदर गैसेस सम डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट एयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर और कुछ गैसेस भी होते हैं कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं बस इतना लिखना है हमको सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर ऑन ए सनी डे डज ए बर्ड और एन एरोप्लेन फ्लाइंग हाई इन द स्काई कास्ट इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड बहुत ऊपर जब कोई बर्ड और एरोप्लेन उड़ता है सनी डे ही क्यों ना हो क्या उसके शेडो हम ग्राउंड में देख पाते हैं नहीं देखने को नहीं मिलता है क्योंकि शेडो फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन जो है ऑब्जेक्ट के पास में रहना जरूरी है बहुत दूर रहेगा तो शेडो फॉर्मेशन नहीं होगा अंडर वाट सर्कमस्टेंसेज कैन बी सी द देडो ऑन द ग्राउंड कौन से सर्कमस्टेंसेस में हम उड़ता हुआ बर्ड या एरोप्लेन की जो शेडो है वो ग्राउंड में देख पाएंगे जैसे कि मैंने बताया कितना ही धूप क्यों ना हो शेडो फॉर्मेशन के लिए ग्राउंड का पास में होना बहुत जरूरी है है ना वही हम लिखेंगे ऑन ए ए सनी डे बर्ड और एन एरोप्लेन फ्लाइंग हाई इन द स्काई डज नॉट कास्ट इट्स ऑन द ग्राउंड बिकॉज फॉर फॉर्मेशन ऑफ शेडो द स्क्रीन शुड बी नियर द ऑब्जेक्ट इफ द बर्ड और एरोप्लेन फ्लाइज नियर द ग्राउंड वी कैन सी द शेडो ऑन द ग्राउंड आज के लिए इतना ही बाकी हम पार्ट टू में डिस्कस करेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू